सौरभ गांगुली ने दिया चौंकाने वाला स्टेटमेंट ऋषभ पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और सरफराज के बारे में। चलिए मगर क्यों आपको बताते हैं। सौरभ गांगुली ने युवा क्रिकेटरों को सभी फॉर्मेट का क्रिकेट खेलने की सलाह दी है। 51 साल के पूर्व क्रिकेटर ने रेड बॉल क्रिकेट पर जोर देते हुए कहा कि मुझे कोई ऐसा कारण समझ नहीं आता है कि आप एक ही फॉर्मेट में खेलें और दूसरे में नहीं। बात तो सही है। दूसरी ओर गांगुली ने ऋषभ पंत के आईपीएल खेलने पर कहा कि 5 मार्च को एनसीए फिटनेस क्लियरेंस के बाद तय होगा कि वे क्या करेंगे और क्या नहीं, हम उनके मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ईशान किशन के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर कर रहा हो। इससे पहले भारतीय क्रिकेटर जब भी फ्री होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। मुझे विश्वास है कि बीसीसीआई इस मामले में प्रॉपर एक्शन लेगा। सरफराज खान को रिलीज किया क्योंकि वे टेस्ट के अच्छे खिलाड़ी। मिनी ऑक्शन से पहले सरफराज खान को रिलीज करने के सवाल पर गांगुली कहते हैं कि सरफराज टेस्ट के एक अच्छे प्लेयर है लेकिन टी20 अलग तरह का खेल है। बता दें कि ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 20 खिलाड़ियों को रिलीज किया। सौरभ गांगुली इस समय दिल्ली कैपिटल्स की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सौरभ गांगुली की बात से सहमत है या नहीं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।